हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस ने किया भयंकर खुलासा। हार्दिक के उड़े होश। गुजरात के दिग्गज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इन दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देने को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके बाद अब उनके भाजपा में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। इसी बीच हार्दिक पटेल ने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर पर खुलकर बातचीत की है। भाजपा में जाने को लेकर क्या बोले? जब एंकर ने हार्दिक से सवाल किया कि आप भाजपा में जा रहे हैं, इस पर पहले हार्दिक ने गोलमोल जवाब दिया। आगे जब उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, आम आदमी पार्टी में आप जा नहीं रहे हैं, इसके भी संकेत दे चुके हैं, फिर आप किस पार्टी में जा रहे हैं, इस पर हार्दिक ने कहा कि जनता के हित में आगे जो होगा उसे देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर आप इतना ही जोर डाल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ। जब हार्दिक पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि आप एक अवसरवादी नेता हैं, आपकी राजनीति भाजपा को कोस कोस कर आगे बढ़ी है, फिर आप उसी पार्टी में साथ जा रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए यमराज, झूठे, जनरल डायर और 56 इंच का सीना नहीं है जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, उन्होंने अवसरवादी होने से साफ इनकार किया। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी ओर से जनरल डायर शब्द का प्रयोग किया गया है।